हेलो एवरीवन, सो बीएमएस एग्जाम सीरीज में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था यूरिनरी सिस्टम। लास्ट दो लेक्चर में मैंने आपको किडनी डिटेल में पढ़ा दिया है, हमने यूरेटर को देख लिया है। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूरिनरी ब्लैडर। हम यूरिनरी ब्लैडर की पोजिशन देखेंगे, साथ में उसके रिलेशंस को देखेंगे, साथ में हम क्लिनिकल एस्पेक्ट भी कवर करेंगे। मतलब जो एनसीएसएम सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको यूरिनरी ब्लैडर पूरा कवर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। तो यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें कि यूरिनरी ब्लैडर आखिरकार होता क्या है, तो यूरिनरी ब्लैडर एक तरह का होलो डिस्टेंसेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि यूरिन का क्या होता है, रिजर्वेयर होता है, जिसमें यूरिन क्या होता है, इकट्ठा होता है। और जब भी हमको क्या होती है, डिजायरेशन होती है यूरिनेशन की, उस समय यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट करने पर म्यूक्टोरेशन की प्रोसेस होती है जो कि हम फिजियोलॉजी में डिटेल में देखेंगे किस तरह से यहाँ पर म्यूक्टोरेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की डेफिनेशन की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, इज अ होलो डिस्टेंसेबल मस्कुलर रिजर्वेयर ऑफ यूरिन। तो एक तरह क्या होता है, ये रिजर्वेयर होता है किसका, यूरिन का। उसके बाद अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की लोकेशन की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब आपने ऑस्टियोलॉजी पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने हिप बोन पढ़ी थी, तो राइट वाली हिप बोन लेफ्ट वाली हिप बोन से जुड़ी हुई होती है इन फ्रंट, किससे, प्यूबिक सिम्फाइसिस से। तो अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की सिचुएशन की बात करें तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट पीछे पाया जाता है। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल में इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में इन फ्रंट ऑफ यूटेरस ये आपको पाया जाता है। अगर हम लेकिन अगर इसकी बात करें यूरिनरी ब्लैडर की पोजीशन की बात करें तो इसका जो पोजीशन होता है या शेप जो होता है वो क्या करता है, वेरी करता है। जिसकी अगर हम बात करते हैं, और ये पोजीशन या किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द एम्प्टी एंड डिस्टेंडेड कंडीशन। अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की पोजीशन की बात करें, ये एच से भी फर्क पड़ता है इसको, साथ में ये एम्प्टी कंडीशन में या डिस्टेंसेबल मतलब फिलिंग हुई कंडीशन में इसका जो पोजीशन या शेप जो होता है वो क्या करता है, वेरी करते हैं। जैसे कि अगर हम शेप की बात करें तो जब ब्लैडर क्या होता है, एम्प्टी होता है, तो इसका शेप जो होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल के साथ शेप होता है कुछ इस तरह का, है ना, शेप होता है। और अगर हम फुल ब्लैडर की बात करें तो फुल ब्लैडर जो होता है वो क्या होता है, पियर शेप का होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कैपेसिटी की। तो अगर हम एनाटोमिकली देखें मतलब इसमें कितना यूरिन आ सकता है, तो अराउंड 1000 ml यूरिन इसमें आ सकता है। अगर हम फिजियोलॉजिकली अगर बात करें तो 220 ml। और अगर हम बात करें कि एट द टाइम ऑफ म्यूक्टोरेशन, जब आपको म्यूक्टोरेशन होता है उस समय कितना कैपेसिटी होता है यूरिनरी ब्लैडर का, तो वो होता है कितना, 250 से लगाकर 300 ml तक। फिर अगर हम बात करें कि ये कितना टॉलरेट कर सकता है, मैक्सिमम टॉलरेट कैपेसिटी इसकी कितनी होती है, तो 450 ml होती है। और पेनफुल कंडीशन कब होता है, जब यूरिनरी ब्लैडर में कैपेसिटी कितना हो, 800 ml हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ डिजायर ऑफ म्यूक्टोरेशन 250 से 300 ml, टॉलरेटिंग कैपेसिटी 450 ml होती है। और पेनफुल कंडीशन कब होता है, जब यूरिन कितना होता है, 800 ml होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर की। जैसे कि हमने देखा कि जब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एम्प्टी होता है, तब इसकी शेप जो होती है कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो इस समय आपको इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको एपेक्स पाया जाता है, इसमें आपको बेस पाया जाता है, ठीक है, इसमें आपको तीन सर्फेसेस पाई जाती है और यहाँ पर आपको चार बॉर्डर पाई जाती है। तो अगर हम अपेक्स की बात करें तो इसका अपेक्स जो होता है वो जब एम्प्टी कंडीशन में होता है तो फॉरवर्ड डायरेक्टेड होता है, और बेस जो होता है वो क्या होता है, बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है, है ना। नेक की अगर हम बात करते हैं तो नेक जो होता है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है ये यूरिनरी ब्लैडर का एम्प्टी कंडीशन में। अगर हम सर्फेसेस की बात करें तो यहाँ पर कितनी सर्फेस पाई जाती है, तीन सर्फेसेस पाई जाती है। एक तो आपको सुपेरियर सर्फेस पाई जाती है, उसके बाद क्या हो जाएगा, राइट ये राइट इन्फेरोलेटरल सर्फेस और लेफ्ट इन्फेरोलेटरल सर्फेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपेक्स जो होता है डायरेक्टेड फॉरवर्ड, बेस जो होता है जिसे हम फंडस बोलते हैं डायरेक्टेड बैकवर्ड, नेक की बात करते हैं तो लोवेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर का। सरफेसेस की अगर हम बात करते हैं तो सुपेरियर सरफेस, राइट इन्फेरोलेटरल सरफेस और लेफ्ट इन्फेरोलेटरल सरफेस। बॉर्डर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर चार बॉर्डर आपको पाई जाती है, एंटेरियर बॉर्डर, पोस्टेरियर बॉर्डर, राइट लेटरल बॉर्डर और लेफ्ट लेटरल बॉर्डर। देख सकते हैं आप यहाँ पर, राइट लेटरल बॉर्डर, लेफ्ट लेटरल बॉर्डर, एंटेरियर बॉर्डर और पोस्टेरियर बॉर्डर। तो इस तरह से यहाँ पर एम्प्टी कंडीशन में चार बॉर्डर और तीन सर्फेसेस पाई जाती है, अपेक्स होता है पर नेक होता है। तो देखो
अगर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर का डायग्राम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इधर की साइड आपको अपेक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट दिखाई दे रहे हैं जो कि आगे जाकर किससे रिलेशनशिप करता है, ये अम्बिलिकस से। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको फंडस जिसे हम बेस भी बोलते हैं, ये आपको नेक दिखाई दे रहा है और यहाँ से नेक के जस्ट नीचे पार्ट तक यूरेथ्रा स्टार्ट हो जाता है ना, ये ट्रिगोन हो जाता है। ट्रिगोन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर के फ्लोर में एक तरह क्या होता है, ट्रेंगुलर एरिया होता है। देखिए आप यहाँ पर ये इस तरह से आपको एक ट्रेंगुलर एरिया दिखाई दे रहा है यूरिनरी ब्लैडर के फ्लोर पर, और ये यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आपको यूरेटर दिखाई दे रहे होंगे और ये यूरेटर की ओपनिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटरी ओरिफिस। तो इस तरह से यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम में अगर आता है तो आपको यही डायग्राम बना के आना है, या आप डायग्राम बनाएंगे तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि जब फुल कंडीशन में होता है तो इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जब फुल कंडीशन आप देखेंगे तो इसका आपको क्या देखने को मिलेगा, अपेक्स देखने को मिलेगा जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है टुवर्ड्स द अम्बिलिकस। नेक देखेंगे तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और यहाँ पर आपको दो सरफेस दिखाई देती है, एक एंटेरियर सरफेस होती है और एक क्या होती है, पोस्टेरियर सरफेस। देख सकते हैं यहाँ पर एंटेरियर और पोस्टेरियर सरफेस। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर आपको चार वॉल दिखाई देती है। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आए तो सबसे अंदर साइड आपको म्यूकस दिखाई देगा, उसके बाद सब म्यूकस दिखाई देगा, उसके बाद मस्कुलरिस, और उसके बाद क्या होता है, सिरोसा होता है। अगर हम सिरोसा की बात करें तो चूंकि ये पेरिटोनियम लेयर से ढकी हुई होती है, इसीलिए ये क्या होती है, पेरिटोनियल होती है, पेरिटोनियल लेयर होती है। उसके बाद अगला जो लेयर होता है वो क्या होता है, मस्कुलरिस। और यहाँ पर कौन सी मसल प्रेजेंट होती है यूरिनरी ब्लैडर में, डेट्रसर मसल प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, सब म्यूकोसा होती है, और सब म्यूकोसा जो होती है वो क्या होती है, ट्रिगोन में अब्सेंट होती है। उसके बाद लास्ट जो होती है, जो इनर साइड पर होती है, वो क्या होती है, म्यूकोसा होती है, और ये क्या होती है, यूरिन अप्रूफ होती है। तो यहाँ पर लिखी हुई सारी चीज़ें, सीरस मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो कि ये क्या होती है, पेरिटोनियम जो लेयर होती है उसे ढकी हुई होती है, इसलिए पेरिटोनियल होती है। मस्कुलर की बात करते हैं तो मेड बाय डेट्रसर मसल, सब म्यूकसा की बात करते हैं ट्रिगोन में अब्सेंट होती है, म्यूकस की बात करते हैं तो ये यूरिन प्रूफ होती है। ट्रिगोन जैसे कि मैंने आपको बता दिया था डायग्राम में क्या होता है, इन द फ्लोर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एक स्मॉल ट्रेंगुलर एरिया आपको दिखाई देता है जिसे हम ट्रिगोन बोलते हैं, और ये कहाँ पर होता है, पोस्टेरियर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के रिलेशंस की। तो अपेक्स से किस किस से, अगर हम यूरिनरी ब्लैडर के अपेक्स को देखें तो ये किससे रिलेशनशिप शो करता है, अम्बिलिकस से शो करता है बाय द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, एक बार फिर आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, इसको मैं अगर मैं क्लीन करता हूँ अभी, तो ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहे होंगे ये क्या है, लिगामेंट है, और ये अपेक्स वाला पोर्शन जो होता है किससे रिलेशन शो करता है, अपेक्स वाला आगे जाकर अम्बिलिकस से, अम्बिलिकस और किसके थ्रू, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट के थ्रू। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं बेस, बेस की अगर हम बात करें तो इन फीमेल में बेस जो होता है किससे रिलेशन शो करता है, यूटेराइन सर्विक्स से और वजाइना से। मेल की अगर हम बात करते हैं तो अपर पार्ट जो होता है रेक्टोवेसाइकल पाउच एंड कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन से, और अगर हम लोअर पार्ट की बात करें तो सेमाइनल वेसिकल्स एंड डक्टस डेफरेंस से। अगर हम नेक की बात करते हैं तो इन मेल बेस ऑफ प्रोस्टेट, और इन फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो नेक जो होता है वो अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा से। ठीक, सरफेस की अगर हम बात करते हैं, सुपेरियर सरफेस किससे रिलेशनशिप शो करता है, तो इन मेल में कवर्ड बाय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है एंड कॉन्टेक्ट विद सिग्मोइड कोलन एंड कॉइल ऑफ टर्मिनल इलियम। ठीक, उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें तो ये भी क्या होता है, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है एक्सेप्ट किसको छोड़कर, यूटेराइन सर्विक्स और स्टमक ऑफ यूटेरस को छोड़कर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगला, इन्फेरोलेटरल सरफेस ये किससे रिलेशनशिप शो करती है। तो मेल की अगर बात करें तो प्यूबिस, प्यूबोप्रोस्टेटिक लिगामेंट, लेवेटर एनआई एंड ऑब्टुरेटर इंटरनस। फीमेल की अगर हम बात करते हैं, प्यूबिस, प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट, लेवेटर एनआई एंड ऑब्टुरेटर इंटरनस। हालांकि ये रिलेशन यूरिनरी ब्लैडर में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर स्पेसिफिक एग्जाम में पूछा तो आप इसे लिख देना। अगर आपको सिंपली पूछा कि यूरिनरी ब्लैडर के बारे में लिखिए, अगर 5 नंबर में पूछा है तो अगर आप ऊपर पर लिखेंगे कुछ चीज़ें आपको याद है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि थोड़ा ये रिलेशनशिप बाकी वाला जो पोर्शन है यूरिनरी ब्लैडर में, बाकी के जो टॉपिक है वो तो आसान है, लेकिन जो ये रिलेशन वाले हैं ये थोड़े क्या हो जाते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए
बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, तो सुपेरियर और इन्फेरियर वेसिकल आर्टरी से होता है। किडनी में हमने देखा था कि किडनी में किससे हो रहा था, सुपेरियर वेसिकल आर्टरी से हो रहा था, और यहाँ पर अगर बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में तो सुपेरियर और इन्फेरियर मतलब ऊपर से और जो नीचे से आर्टरी आ रही है दोनों से इसका क्या होता है ब्लड सप्लाई होता है। वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो वेनस ड्रेनेज के लिए यहाँ पर वेसिकल वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो किडनी में हमने देखा था वहाँ पर क्या था इलियक नोड्स, यहाँ पर भी क्या होते हैं इलियक नोड्स, सॉरी यूरेटर में हमने देखा था वहाँ पर क्या था एओर्टिक नोड्स और एक क्या था इलियक नोड्स, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज में तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा इलियक नोड्स हो जाएगा। उसके बाद नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो सिंपेथेटिक किससे होता है T11 और L2 से। वहाँ पर हमने क्या देखा था किडनी में सिंपेथेटिक वाला जो था T10L1, यहाँ पर आपको एक एक बढ़ा देना है T11 से L2 तक। पहला सिंपेथेटिक की बात करते हैं यूरेटर में आपने देखा था S2 S3 S4, यहाँ पर भी सेम वही है S2 S3 S4, ठीक। चलिए थोड़ा एनाटॉमी क्या होता है, थोड़ा याद करने वाली चीज़ें होती है, थोड़ी चीज़ें आपको क्या होती है दिमाग में रखना होती है, कुछ चीज़ें समझने की होती है कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखना होती है, तो आपको बार बार इसको क्या करना पड़ेगा रिवाइज करना होगा तभी आपको चीज़ें याद होगी। मैं खुद भी बार बार रिवाइज करता हूँ तभी जाकर मेरे को चीज़ें याद होती है, तो आपको भी क्या करना है बार बार रिवाइज करना है तभी जाकर आपको टॉपिक क्या रहेंगे याद रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ ब्लैडर की, तो पहला क्लिनिकल एस्पेक्ट इसका ब्लैडर स्टोन। तो क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा था कि किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गए, ये क्या हो जाते हैं इसके जो स्टोन जो होते हैं वो किडनी में बनने रहते हैं। अगर मान लो ये स्टोन जो है यूरिनरी ब्लैडर में आता है तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है इसके साइज को इंक्रीज करता है और ये क्या करता है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द स्टोन में डेवलप इन किडनी एंड कैन मूव टू ब्लैडर, इन ब्लैडर द स्टोन इंक्रीज इन साइज, और ये ब्लैडर में आकर क्या होता है साइज में इंक्रीमेंट करता है। फिर बात करते हैं अपन सिस्टाइटिस, तो सिस्टाइटिस देखो जहाँ पर भी क्या हो जाएगा आइटिस का शब्द आएगा तो आप समझ जाना वहाँ पर क्या हो रहा है इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो अगर हम बात करें सिस्टाइटिस की तो सिस्टाइटिस क्या होता है इन्फ्लेमेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, अगर यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रहा है इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं सिस्टाइटिस बोलते हैं, और ये किस कारण होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण होता है, UTI के कारण होता है। अगर मान लो यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन है तो उस कारण क्या हो जाता है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या हो जाता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसमें, है ना। तो और इसी कंडीशन का हम क्या बोलते हैं सिस्टाइटिस बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की, अगर हम बात करते हैं तो देखो ओल्ड एज में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या होती है इनलार्ज हो जाती है, जिस कारण क्या होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर में यूवला वेसिकल प्रेजेंट होता है। अब यूवला वेसिकल क्या होता है यूवला वेसिकल जो होता है वो क्या होता है एक प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन होता है किसका यूरिनरी ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का। तो क्या होता है कि अगर मान लो ओल्ड एज में प्रोस्टेट क्या होती है इनलार्ज हो जाती है, उस कारण क्या होता है कि जो प्रोजेक्शन होता है या यूरिनरी ब्लैडर का जो यूवला वेसिकल होता है वो क्या हो जाता है एक तरह की क्या होता है वॉल की तरह काम करता है, जिस कारण ये क्या करता है कि यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन मेल यूवला वेसिकल में भी इनलार्ज और किस कारण होता है ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट एंड एक्ट एज अ वॉल्व, एक तरह क्या होता है ये वॉल्व की तरह काम करता है और यूरिन के फ्लो को क्या करता है ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, यूरिन के फ्लो को रोक देता है एंड टू ऑब्स्ट्रक्ट द यूरिन, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट इफेक्ट ऑन ब्लैडर, मतलब प्रोस्टेट अगर इनलार्ज हो जाएगी तो ये क्या कर देगा जो प्रोजेक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर का उसको क्या करता है एक तरह की वॉल की तरह बना देता है, जिस कारण ये क्या करता है कि यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिस कारण आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लिया। अब यहाँ पर लास्ट आपको मान लो 10 नंबर में पूछ दिया या 5 नंबर में पूछ दिया तो आपको आयुर्वेदिक एस्पेक्ट लिखते हैं तो एग्जामिनर क्या होता है आपकी जो कॉपी होती है उससे ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें किसकी यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर को आयुर्वेद में मुद्रा से बोलते हैं, तो इसके अगर हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट देखें तो सबसे पहले तो ये क्या होता है सघ प्राणहर मर्म होता है, दूसरा बस्ती प्राणायतन है ये, तीसरा अगर हम बात करें तो हमको कहाँ पर पाई जाती है श्रोणी गुहा में पाई जाती है, और चौथा अगर हम देखें तो ये धनुष की तरह वक्र होती है ना, मध्य के अधभाग में आपको पाई जाती है, और ये क्या होती है अल्प रक्त और अल्प मास से बनी होती है। तो इस तरह से ये इसके आयुर्वेदिक एस्पेक्ट होते हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आप साथ में क्या करें कॉपी और पेन लेके बैठें, ज़्यादा बड़े मेरे नोट्स नहीं होते, एकदम सिंपलीफाई करके मैं सारे नोट्स को लेकर आया हूँ BMS एग्जाम सीरीज के अकॉर्डिंग, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ,
तो आपको बकायदा साथ में जो भी मैं लिखवा रहा हूँ या जो भी मैं नोट्स लेकर आ रहा हूँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी अगर आप दोबारा ऐसे रिवाइज करेंगे। तो आज हमने यूरिनरी बटर पूरा देख लिया है। नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर है यूरिनरी सिस्टम का, वो है यूरेथ्रा, जो कि लास्ट टॉपिक है। इसे मैं ख़त्म करके ये जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आयुर्वेद का गर्भाव क्रांति वाला जो शरीर है, मतलब गर्भ शरीर जो है आयुर्वेद वाला, उसको मैं उठाने वाला हूँ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।